नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कहानी का विषय है अंधी भिखारिन। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने जाने वाले सहृदय और श्रद्धालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान असत्य न था। आने जाने वाले दो चार पैसे उसके हाथ पर रख ही देते। अंधी उनको दुआएं देती और दिल से उनकी सराहना करती है। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी तक जाने का रास्ता तय करती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की ही होती, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां दिया करते हैं। तब भी अंधी निराश न होती और उनकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे दो चार पैसे और मिल जाते। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उसे चिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके मस्तक को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया है, इस बात से कोई परिचय नहीं था। 5 वर्ष हुए पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पिलाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढाप देती, इसलिए कि दूसरे व्यक्ति की दृष्टि उस पर न पड़े। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था। उससे काम चलाती, पहले बच्चे को पेट भर कर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगा कर वहीं पड़ जाती। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिला कर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा है। धर्म में उनकी बड़ी रुचि है। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी ताता बंधा रहता जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं अब तक वह अपनी कमाई यहाँ जमा करने में क्यों हिचकिचाती रही। उसके पास काफी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई हांडी चुरा न ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी वहीं खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया। अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है। अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे संग्रह किए हैं, अपने पास रखते डरती हूँ, कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख ले। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, वही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है। अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली और वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी की राह चली गई। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को जबर ने आ दबाया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूंक से भी काम लिया, टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई।
अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया, निराशा हो गई, परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रख कर गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो इनके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? अंधी की जान में जान आई, आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु अब वह सोचने लगी, संभवतः उसे ध्यान न रहा होगा। ऐसा धर्मी व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है। उसने अपना नाम बता दिया, उलट पलट देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर 1 पाई भी जमा नहीं है। अंधी वहीं जमी खड़ी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा। मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी, परंतु पत्थर में जोक न लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष न थी बल्कि एक दुखिया का श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई ही नहीं तो फायदा क्यों कर होता। एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता, और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से घृणित हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से न हिली। मारने का भय दिखाया, पर वह टस से मस न हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टलेगी। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे। सेठ जी बड़े गुस्से में थे, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उनकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की, पर उसका कोई पता न मिला। उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन की जांग पर एक लाल रंग का चिन्ह था। इस चिन्ह के आते ही उन्होंने अंधी की गोद के बच्चे की जांग देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उसको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है, परंतु तुरंत उनको छीन कर अपने कलेजे से चिपटा लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को न ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, सो इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने एक जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा, इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी,
कुछ करते धरते बन नहीं पड़ रहा था। कुछ देर वही मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई या दवा ने जादू का सा प्रभाव दिखाया, मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आँख खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जबान से निकला माँ। चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना आरंभ हो गया। मामा की रट लगी हुई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए और चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रही है, इसे कैसे बचाऊं? सहसा उसको अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर न बैठी हो, परंतु वह वहां कहां। सेठ जी ने फिटन तैयार करवाई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार की थी। अंदर गए, देखा अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसने नेत्रों से अश्रुधारा बहे जा रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया, उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए, रह रहकर वह तुझे पुकार रहा है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल और मेरे नहीं नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ, हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा सुख से मेरे साथ रहेगा, मैं वहाँ उसकी सुचारू रूप से सेवा श्रुषा करूँगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांव पर गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बिठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगे। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी, दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई। अंधी ने स्नेह से भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारिन मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसने मोहन का सिर अपने गोद में रख लिया। उसको बहुत सुख अनुभव हुआ और वह उसकी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के जोशांदे, वैद्यों की पुड़िया और डॉक्टरों के मिक्सचर न कर सके, वह अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा सुना कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत न हुई, विवश होकर विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने मालूम किया, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए संग्रह किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाए। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वह एक भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। दोस्तों, आपको यह भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।